इस डायरेक्टर की दीवानी थी बर्थडे गर्ल निशा कोठारी, अब जी रही है ऐसी जिंदगी। एक्ट्रेस निशा कोठारी आज अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। निशा को फिल्मों से ज्यादा डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ अफेयर को लेकर याद किया जाता है, जो उनकी चंद फिल्मों में दिखाई देने के बाद फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। तो चलिए जानते हैं उनके इस खास दिन पर, जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ रोचक बातें। निशा कोठारी की लव लाइफ की बात करें तो वो डायरेक्टर राम गोपाल के साथ अफेयर को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। राम गोपाल एक ऐसे हीरो और डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए कई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया। इनकी कई फिल्मों से कई एक्ट्रेसेस की तो किस्मत चमक गई और कुछ तो गुमनाम भी हो गई, जिसमें से एक है निशा कोठारी। राम गोपाल की चहेती निशा कोठारी ने उनकी फिल्म सरकार से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद निशा राम गोपाल की जेम्स, गो, शिवा, डरना जरूरी है, डार्लिंग, राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उनकी ये फिल्में पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। इंडस्ट्री को यह 4-5 फ्लॉप फिल्में देने के बाद निशा बॉलीवुड की दुनिया से गुमनाम होगी। डायरेक्टर राम गोपाल के निशा कोठारी के अलावा उर्मिला मातोंडकर और अंतरा के साथ भी काफी चर्चे रहे हैं, लेकिन इनके बीच एक्ट्रेस निशा कोठारी राम गोपाल की सबसे चहेती एक्ट्रेस रही हैं। लेकिन राम गोपाल अपनी फिल्मों के जरिए निशा के करियर को चमका नहीं पाए। राम गोपाल की फ्लॉप फिल्मों में काम करने के बाद निशा इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर हैं। काम की बात करें तो निशा को आखिरी बार फिल्म बिन बुलाए बाराती में देखा गया था, जिसके बाद साल 2016 में निशा ने दिल्ली के बिजनेसमैन भास्कर प्रकाश से शादी कर ली और अब वो दिल्ली में ही अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हैं।